सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मारुति सुजुकी और ICICI बैंक फ्लेक्सी EMI, बैलून EMI और स्टेपअप EMI योजनाएं पेश कर रही है। ऑफर चुनिंदा मॉडल पर उपलब्ध है और चुनिंदा ग्राहकों के लिए मई 2020 से शुरू होने वाली मारुति सुजुकी कारों पर उपलब्ध है। मारुति सुजुकी इंडिया ने देश भर में अनुकूलित ऑटो खुदरा वित्त समाधान की पेशकश करने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। इस एसोसिएशन के तहत ICICI बैंक मारुति सुजुकी के ग्राहकों को मौजूदा वित्त चुनौतियों से उबरने के लिए मदद करेगा। ICICI बैंक द्वारा मारुति सुजुकी ग्राहकों को दी जाने वाली वित्त योजना में फ्लेक्सी EMI स्कीम, बैलून EMI स्कीम, स्टेपअप EMI स्कीम और 100% तक ऑनरोड फंडिंग शामिल है। यह ऑफर चुनिंदा मॉडल पर उपलब्ध है और चुनिंदा ग्राहकों के लिए मई 2020 से शुरू होने वाली मारुति सुजुकी कार पर उपलब्ध है। फ्लेक्सी EMI योजना ग्राहकों को शुरू में कम EMI का भुगतान करने में सक्षम बनाती है ताकि चल निधि तनाव को दूर करने से मदद मिल सके। पहले 3 महीनों के लिए 1,00,000 रुपये की ऋण राशि पर EMI राशि 899 रुपये से शुरू होती है, इसके बाद EMI राशि अधिक है। बैलून EMI योजना के तहत ग्राहकों को कार्यकाल के दौरान 1,797 रुपये से शुरू होने वाली EMI का भुगतान करना आवश्यक होता है। जब वे ऋण की 1/4 राशि का भुगतान करते हैं तो अंतिम किस्त को रोकते हैं। यह योजना उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो ऋण अवधि के माध्यम से कम EMI का भुगतान करने के इच्छुक हैं। स्टेपअप EMI स्कीम से ग्राहकों को हर साल 10% तक की EMI राशि बढ़ाने का लाभ मिलता है क्योंकि उनकी आय बढ़ती है। चुकौती के पहले वर्ष में EMI 1,792 रुपये प्रति लाख से शुरू हो सकती है जो 5 साल के ऋण कार के लिए हर साल 10% बढ़ जाती है। मारुति सुजुकी के कार निदेशक संसार श्रीवास्तव ने कहा कि संकट से लड़ते हुए हमें ग्राहकों को आकर्षक ऑटो रिटेल वित्त समाधानों के साथ मदद करने की आवश्यकता है। कम डाउन पेमेंट, कम EMI उत्पाद निश्चित रूप से ग्राहकों को अपनी व्यक्तित्व गतिशीलता समाधान करने में मदद करेगी। हमारा मानना है कि आकर्षक और आकर्षक विस्थापन समाधानें प्रदान करने से ICICI बैंक के साथ सहयोग निश्चित रूप से हमारे ग्राहकों को लाभान्वित करेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।